हाय फ्रेंड्स, ये है MI का 6X स्मार्टफोन जो इंडिया में MI A2 के नाम से लॉन्च होगा। इसका पहला वर्जन 5X था जो MI A1 के नाम से लॉन्च हुआ था, जो एंड्रॉयड 1 पावर बेस्ड सिस्टम होता है। और ये जो सिस्टम होता है बहुत ही अच्छा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं एंड्रॉयड की तरह से। ये है MI का फास्ट चार्जर जो बहुत ही जल्दी आपका स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा, 1 घंटे के अंदर में आपके 100% टू चार्ज कर देगा, 90% से अबव गारंटी चार्ज कर देगा। और ये है USB केबल और बॉक्स कंटेंट में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक स्मार्टफोन है जो MI 6X है जो इंडिया में A2 के नाम से लॉन्च होगा। फ़ोन दिखने में बहुत खूबसूरत है, इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है और स्पेक्स इतना अच्छा कि आप सोच नहीं सकते। ये फ़ोन अंडर 17,000-16,000 के आसपास आएगा। इसमें आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 660 लेटेस्ट, और इसमें 3 वर्जन आएगा, 464, 664, 6120 और एंड्रॉयड ओरियो में आएगा इंडिया में और चाइना में MIUI के नाम से। और इसमें आपको मिलेगा कैमरा, ड्यूल रियर कैमरा जो 20 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल को होगा। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और स्पीकर भी इसका बहुत मस्त है, बहुत मस्त। और कैमरा सबसे बेस्ट है इसका अंडर 70,000 के आसपास मान लीजिए। Redmi Note 5 Pro का कंपैरिजन में देखा जाए तो ये फ़ोन लॉन्च होगा एंड्रॉयड 1 के साथ जो आपको MIUI के एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, बट ये फ़ोन मेटालिक बॉडी है, बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है और इंडिया में आएगा तो Redmi Note 5 Pro को रिप्लेस कर सकता है। तो इसका जो कर्व है बहुत ही अच्छा डिज़ाइन की तरह बना है, दोनों सिमिलर टाइप के हैं रेडमी नेट 5 प्रो और ये ब्लैक कलर का वेरिएंट है। इसमें 3 वेरिएंट मिल सकता है, ब्लैक और स्पेस ग्रे और एक गोल्ड या रोज गोल्ड भी आ सकता है इंडिया में। तो एक अच्छी ही स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है जल्द ही इंडिया में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से MIUI है इसमें। बट इसमें लेटेस्ट MIUI है तो आपको अलग अलग चीज़ इसमें चेंजेस दिखेंगे, जैसे कि आप अगर कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें बैक करने के लिए आप राइट स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएगा, तो अलग फीचर ऐड हुआ है इसमें MIUI में। और फ़ोन बहुत ही खूबसूरत है, इसमें नॉच नहीं है सो आप हेट नहीं कर सकते हैं अगर हेटेड हैं नॉच वाले सिस्टम से। तो सो इसके सेटिंग में कुछ अपडेट किया गया है और अगर आप इसको राइट स्वाइप करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, मतलब कि आपको बैक नहीं करना है, राइट स्वाइप करिएगा ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। तो इसमें फीचर अच्छी ऐड हो चुकी है तो आपको अच्छा लगेगा और अलग अलग MIUI फीचर लेटेस्ट है तो आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा लगेगा। तो इसमें आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट्स जो आप 2 सिम और 1 माइक्रो SD या 1 माइक्रो SD और 1 सिम कार्ड लगा सकते हैं। फ़ोन काफ़ी अच्छा है हद तक, और 70,000 के अंडर में फ़ोन इससे बेटर आपको ऑप्शन कोई नहीं मिल सकता, तो आप इसे बेस्ट चॉइस मान सकते हैं। यहाँ पर भी एक कॉम्पिटिटिव आ चुका है ASUS का फ़ोन जो 14,000 के फ़ोन में आ गया है जो आप खरीद सकते हैं, वो फ़ोन भी बेस्ट है और ये फ़ोन भी बेस्ट है, तो आप जल्दी ही कोई भी डिसाइड करके ले सकते हैं। बट इस फ़ोन में आपको लेटेस्ट हर चीज़ मिलेगा। अगर MIUI लवर हैं तो आप भूल जाइए इस फ़ोन को, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड 1 मिलेगा इंडिया में और उसमें आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का भरोसा मिलता है MI की तरफ से और एंड्रॉयड की तरफ से, तो आप उसे ले सकते हैं। और ये फ़ोन का बेस्ट फीचर है तो इसका कैमरा 12 मेगापिक्सल एंड 20 मेगापिक्सल में आता है जो डेप्थ, अपर्चर और ब्यूटी अलग अलग मोड में आता है जिससे आप अपने बेहतरीन पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसका बेस्ट कैमरा 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है जो आपको सेल्फी लेने में मदद करेगा और एक अच्छी सेल्फी ले सकते हैं आप जो HD क्वालिटी में होगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है तो ऑब्वियसली ये अच्छी कैमरा है जो Redmi Note 5 Pro एकदम इक्वल सा स्पेसिफिकेशन है दोनों कॉम्पिटिटिव, और दोनों कंपेयर किया जाए तो ये आपको एंड्रॉयड 1 मिलेगा तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है। तो इसका कैमरा भी बेस्ट है और इसका प्रोसेसर भी बेस्ट है, इसमें गेम प्ले के लिए आपको निराश नहीं कर सकता है ये फ़ोन। ये देखिए कुछ सैम्पल शॉट जो इससे क्लिक किया गया है। सो इस हर पिक्चर में आपको एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिलेगा जो लगेगा कि एक अच्छे कैमरा से क्लिक किया गया है पिक्चर। तो इससे अच्छा फ़ोन आपको 70,000 के अंडर में नहीं मिल सकता, बट आपका चॉइस ऊपर है। आप ASUS का ZenFone Max Pro ले सकते हैं जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, या ये जब इंडिया में लॉन्च होगा तब आप ले सकते हैं, एक बेस्ट चॉइस है MI की तरफ से। सो हमारे चैनल को रेड बटन जो है उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी को प्रेस कर दीजिए, आपको कभी मिस नहीं होगा।